वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको करंट अफेयर की कमेंट बॉक्स में देना होगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ऐप्स पर द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं अथवा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ भी मिल सकती हैं और कई एजुकेशनल मटेरियल वहां पर मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि आपकी करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर बैंक की किस प्रकार की पहली शाखा का उद्घाटन किया गया। तो देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक की अखिल महिला शाखा का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर बैंक की पहली अखिल भारतीय महिला शाखा का उद्घाटन किया गया है। और ये जो उद्घाटन किया गया है इसमें एक नई महिला शाखा का उद्घाटन किया गया और इसमें कुल 13 कर्मचारी हैं, यानी कि इस बैंक में कुल शुरुआत में 13 कर्मचारी रखे गए हैं। तो इस बैंक में महिलाओं के लिए पिंक गोल्डन डेबिट कार्ड, पिंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी और पूरी तरह से एक महिलाओं को समर्पित बैंक है। तो देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर राज्य का यहाँ पर देखिए ये है मैप, क्योंकि मैप आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए आपके लिए हर वीडियो में जो भी राज्य या जो भी देश का क्वेश्चन आता है तो आपको मैप से समझाया जाता है। तो देखिए ये है जम्मू कश्मीर का मैप और यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी दो है, तो पता होना चाहिए आपको। जो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की जो शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू। तो दोनों राजधानियों को आप ध्यान रखेंगे और वहाँ की राजभाषा है उर्दू। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में देखिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और वहाँ के जो गवर्नर हैं वर्तमान में तो वो है एन वोहरा। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर की लोकसभा से कुल 6 सीटें हैं, राज्यसभा से कुल 4 सीटें हैं, जबकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल 89 सीटें आती हैं। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखिए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य से ही संबंधित है, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष हैं परवेज अहमद। ठीक है, परवेज अहमद जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों कल की वीडियो को हम लोगों ने टारगेट रखा था कि इसमें 8000 लाइक्स आएंगे, लेकिन कल का भी टारगेट पूरा नहीं हो सका। तो एक बार फिर से आज की वीडियो को भी हम 8000 लाइक के टारगेट पर ही रखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि ये टारगेट आपकी हेल्प से पूरा हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, अमेजन कंपनी एप्पल के बाद 900 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। तो देखिए ये अमेजन कंपनी है वो बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और इसने हाल ही में 900 अरब डॉलर का जो मार्केट कैप है उसको पार कर लिया है और ऐसा करने वाली वह दूसरी कंपनी बन गई है। क्योंकि अभी देखिए जो एप्पल कंपनी है उसकी जो पूरी जो मार्केट कैप है वो 935 बिलियन डॉलर की है और 935 बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाली ये पहली कंपनी है, जबकि दूसरी कंपनी 900 बिलियन डॉलर को पार करने वाली हाल ही में अमेजन बन गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अमेजन की बात की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजन एक अमेरिकी कंपनी है जिसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। ठीक है, जिसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं जो कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस कंपनी की स्थापना 1994 में की गई थी और इसने ये जो कंपनी है वो एप्पल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है मार्केट वैल्यू के आधार पर। अब देखिए एप्पल की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो देखिए एप्पल जो कंपनी है उसकी स्थापना 1976 में हुई थी और उसके संस्थापक हैं स्टीव जॉब्स। ठीक है, और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। तो आपको दूसरे क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा,
एंड्रॉयड एसटी ट्रस्ट केस में ईयू ने किस कंपनी पर 5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो देखिए, एंड्रॉयड एंटी ट्रस्ट केस में ईयू ने गूगल कंपनी पर 5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देखिए, यूरोपीय संघ नियामकों ने एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रभुत्व का दुरुपयोग करने के लिए अल्फाबेट इंक की जो गूगल कंपनी है उस पर लगभग 5 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। और ये यूरोपीय संघ का कहना है कि गूगल की जो मूल कंपनी है उसने स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ ऐप जो गूगल प्ले स्टोर है उसके साथ और क्रोम जो होता है उसके साथ अब जो अनुचित तरीके हैं उनको प्रयोग किया गया है, तो इसकी वजह से ये जुर्माना लगाया गया है। तो अब देखिए, आपको पता होना चाहिए गूगल के बारे में। तो देखिए, जो गूगल है इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, ठीक है। और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो देखिए, गूगल के वर्तमान में सीईओ है सुंदर पिचाई, और गूगल का मुख्यालय अमेरिका देश के कैलिफोर्निया शहर में है। तो आपको तीसरे क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, आरबीआई कितने रुपए का नया बैंक नोट जारी करेगा? तो देखिए, आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है कि वो 100 रुपए का नया बैंक नोट जारी करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक है वो महात्मा गांधी की नई सीरीज में जो सभी वर्ग के जो नए नोट आ रहे हैं उनमें 100 रुपए का बैंक नोट जल्दी जारी करेगा, और इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं डॉक्टर उर्जित आर पटेल उनके हस्ताक्षर भी होंगे। और इस नए मूल्य में देश की जो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए नोट के दूसरी तरफ रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव इसका जो है इसमें आकृति भी बनाई जाएगी। और ये जो नोट है 66 mm by 140 mm का होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 100 रुपए का नोट है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके दूसरी तरफ रानी की वाव की आकृति है। अब ये रानी की वाव क्या है? तो देखिए, ये एक बावड़ी है, ठीक है, एक तरह से सीढ़ीदार कुआं कह सकते हैं, जो कि गुजरात राज्य के पाटण में है, ठीक है। और इसको रानी की वाव को 22 जून 2014 को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया था। और ऐसा माना जाता है कि रानी की वाव जो है वो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम की याद में उनकी पत्नी उदयमती ने बनवाई थी। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने कितनी सार्वजनिक बैंकों में 11,336 करोड़ रुपए की निवेश को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 5 बैंकों में, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, 5 बैंकों में 11,336 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तो वित्त मंत्रालय ने नियामक पूंजी जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन 5 बैंकों में इतनी धनराशि लगाने की मंजूरी दी है। और ये जो धनराशि है वो हाल ही में इसी वर्ष के दौरान सभी बैंकों को वितरित की जाएगी। तो इन सभी बैंकों की जो वित्तीय हालात है वो खराब होने की वजह से इनको ये वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वित्तीय सहायता है वो भारत सरकार के निर्देश पर ही दी जा रही है। तो इसमें देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो देखिए, अरुण जेटली की अनुपस्थिति में भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री पीयूष गोयल है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां, वित्तीय साक्षरता पर किसानों को शिक्षित करने के लिए कौन सा बैंक किसान मेला आयोजित करेगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI वित्तीय साक्षरता पर किसानों को शिक्षित करने के लिए किसान मेला आयोजित करेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो किसान मेला को देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की जो ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाएं हैं उनमें किसानों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा, और इसमें बैंक के सभी कर्मचारी और बैंक के अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे और किसानों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे, जिसमें KCC के जो खाते होते हैं या ATM कार्ड को यूज करने की जो तरीके होते हैं ये सब चीज़ें किसानों को समझाई जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, SBI की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूँ SBI के अध्यक्ष वर्तमान में रजनीश कुमार हैं, और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी, और इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। तो आपको छठवें क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां, बीजिंग शीतकालीन खेल 2022 में कितने नए पदक समारोह जोड़े जाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है, बीजिंग शीतकालीन खेल 2022 में
सात नए पदक समारोह जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, सात नए पदक समारोह जोड़े जाएंगे। तो अगले तीन ओलंपिक खेलों की योजना बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में इस घोषणा की है कि 2022 का जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल होंगे उनमें सात नए पदक के कार्यक्रमों को जोड़ा जाएगा। और इसमें महिलाओं की मोनोबॉब, पुरुषों और महिलाओं के लिए बिग एयर फ्री स्टाइल, स्कीइंग, शॉर्ट हैंड स्पीड और इसी तरह के कुल सात नए पदक यानी कि गेम्स को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अब आप ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो शीतकालीन खेल हैं 2022 में वो कहाँ पर होंगे, बीजिंग में यानी चीन में होंगे। तो देखिए ये आपके सामने है चीन का मैप और चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन का सबसे बड़ा शहर है संघाई। चीन की वर्तमान में राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की मुद्रा है रेमिनबी या जिसको युआन भी कह सकते हैं। तो आपका ये सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां। हाल ही में नई दिल्ली में दिल्ली वार्ता का किस क्रम का संस्करण शुरू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में नई दिल्ली में दिल्ली वार्ता का 10वां संस्करण शुरू हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो दिल्ली का जो 10वां संस्करण है नई दिल्ली में शुरू हुआ और भारत की जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने 2 दिवसीय इस आयोजन को संबोधित किया। और इस कार्यक्रम का जो विषय था वो था स्ट्रेंथिंग इंडिया आसियान मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है, स्ट्रेंथिंग इंडिया आसियान मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो ये इस कार्यक्रम का विषय था। तो भारत की जो राजनीतिक नेतृत्व करता है, नीति निर्माता है, ठीक है, इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया है। और ये जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के बाद पहला बड़ा समारोह आयोजित किया गया। अब देखिए ये इसमें आसियान देशों की प्रमुख इसमें महत्वता रही है। तो आसियान का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को आसियान देशों की संगठन की स्थापना हुई। तो आपका ये क्वेश्चन आठवां कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौवां। कैबिनेट ने क्षेत्रीय विमानन साझेदारी नियमों पर किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो राइट आंसर है, कैबिनेट ने RAPC पर, ठीक है, RAPC पर ब्रिक्स देशों के बीच, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्रिक्स देशों के बीच ये हाल ही में समझौता किया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय विमानन साझेदारी नियम यानी RAPC पर ब्रिक्स देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ब्रिक्स देशों को नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, ठीक है, नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में यानी कि हवाई क्षेत्र में सहयोग करने के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना को बल देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ब्रिक्स देशों की बात की गई है, तो आपको ब्रिक्स देशों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देश शामिल हैं, ठीक है, और इसमें दक्षिण अफ्रीका देश सबसे अंत में शामिल हुआ और ये 2010 में शामिल किया गया था। तो आपको ब्रिक्स देशों के बारे में इतनी बात पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच कौन बने। तो इसका जो राइट आंसर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हाल ही में अंतरिम कोच रमेश पवार बने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो रमेश पवार को भारतीय टीम का जो महिला क्रिकेट टीम है उनका अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है। और हाल ही में महिला टीम की जो सीनियर खिलाड़ियों ने मौजूदा कोच तुषार अरोठे जो ऑप्शन ए में लिखे हुए इनको हटाने की मांग की थी, तो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस बार अब नए जो कोच बने हैं वो रमेश पवार बने। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो देखिए रमेश पवार के बारे में बात करते हैं, तो ये 40 साल के वर्तमान में और इन्होंने भारत के लिए सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 2 टेस्ट मैच में कुल 6 विकेट लिए थे। वहीं वनडे मैचों की बात करें तो उन्होंने 31 वनडे मैच खेले थे और उनके नाम 31 वनडे मैचों में 34 विकेट है, ठीक है। तो मुंबई के रमेश पवार को BCCI ने अरोठे की जगह अंतरिम कोच पद के लिए नियुक्त किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। तो देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है।
हाल ही में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का 16 जुलाई को एक बार फिर से सफल परीक्षण किया गया था, और ये परीक्षण सुबह 10:18 ओडिशा में किया गया था। और इसकी खास बात यह कि ये जो परीक्षण है वो खास मौसम में भी किया गया था, ठीक है, यानी कि मौसम उस उतना नहीं अनुकूल था जितना कि होना चाहिए, तब भी ये सफल रहा, और ये जो परीक्षण है ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भारत ने सफल परीक्षण किया है। आगे देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य ने चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य सरकार के सभी चयन में जो वर्ग 4 के पद होते हैं उनमें साक्षात्कार समाप्त किया है, और इससे क्या होगा कि जो भी पद होंगे उन पर चयन प्रक्रिया में तेजी आएगा, ठीक है, तेजी आएगी और बहुत ही प्रक्रिया पारदर्शी रहने की उम्मीद है। तो देखिए इसका, इस क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कल की कुछ का उत्तर। तो देखिए कल आपसे पूछा गया था दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना स्थापित किया जाएगा, जो कि सैमसंग कंपनी का होगा। और अब देखते हैं आज की कुछ का सवाल। तो देखिए आज की कुछ का सवाल है, एशियाई खेल 2018 में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, पी आर श्रीजेश, आकाशदीप सिंह, सरदार सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपको इसका आंसर आता हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपने अगर पिछली वीडियोस को लगातार ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर इजिली दे सकते हैं। तो वीडियो के अंत में बस आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, जिससे कि जो 8,000 लाइक का जो टारगेट है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आपके सहयोग से पूरा हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।